सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहां पर रियलमी ने उनके रियलमी नार्जो सीरीज के स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों, यहां पर रियलमी नार्जो 20 स्मार्टफोन को टक्कर देने के लिए फाइनली एक काफी अच्छी स्मार्टफोन कंपनी आज इंडिया में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दी है। और यहां पर दोस्तों, इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो रियलमी नार्जो 20 स्मार्टफोन से भी कम रखी गई है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहां पर यह भी देखने वाले हैं कि ये जो स्मार्टफोन है वो क्या एक्चुअल में सच में रियलमी नार्जो 20 स्मार्टफोन को किल कर पाएगा, को टक्कर दे पाएगा या नहीं, तो सभी कुछ डिटेल में बात करने वाला हूं। फाइनली दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। इसके साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो जो वीडियो है सबसे पहले यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों, अगर बात करूं आपसे यहां पर इस नए लॉन्च स्मार्टफोन के बारे में, तो यहां पर दोस्तों मोटोरोला आज अपना एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दी है दोपहर के 12 बजे, जो कि है उनकी ई सीरीज का मोटो E7 प्लस। दोस्तों, यहां पर ये जो स्मार्टफोन एक ठीक ठाक स्मार्टफोन निकल कर आया है। अगर बात करता हूं सबसे पहले आपसे यहां पर इस स्मार्टफोन के फीचर्स वगैरह के बारे में, और देखते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है वो रियलमी नार्जो 20 स्मार्टफोन को कम्पीट कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज अगर बात करता हूं इस स्मार्टफोन की डिजाइनिंग के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको पीछे के साइड प्लास्टिक का ही जो बैक है वो देखने के लिए मिल जाता है। नॉर्मल सी बात है, प्लास्टिक का बैक आपको रियलमी नार्जो 20 स्मार्टफोन में भी देखने के लिए मिलता है। यहां पर दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको सिर्फ और सिर्फ दो कैमरे दिए गए हैं, डुअल रियर कैमरा दिया गया है, लेकिन आपको रियलमी नार्जो 20 स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, अगर बात करता हूं यहां पर इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहां पर भी आपको 6.5 इंचेस का एक आईपीएस एलसीडी एचडी प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन मोटो E7 प्लस स्मार्टफोन में भी दी गई है, और सेम यही डिस्प्ले आपको रियलमी नार्जो 20 स्मार्टफोन में भी देखने के लिए मिल जाती है। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों स्मार्टफोन बराबर है। इसके बाद दोस्तों, अगर बात करता हूं यहां पर इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 का जो प्रोसेसर है वो देखने के लिए मिल जाता है, जो कि इसी साल लॉन्च किया गया है। लेकिन यहां पर जो रियलमे का नार्जो 20 स्मार्टफोन है, इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G85 जो प्रोसेसर है वो देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में जो परफॉर्मेंस है वो आपको रियलमी नार्जो 20 स्मार्टफोन में बेटर देखने के लिए मिलेगी इस स्मार्टफोन से। तो परफॉर्मेंस के मामले में, स्पीड के मामले में रियलमी का नार्जो 20 स्मार्टफोन आगे निकल जाता है। उसके बाद दोस्तों, अगर बात करता हूं आपसे यहां पर मोटो E7 प्लस स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको 48 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा पीछे साइड दिया गया है, जबकि रियलमी नार्जो 20 स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा 48 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के साथ में देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, कैमरे के भी मामले में जो रियलमी है वो काफी आगे निकल करके आ जाती है। उसके बाद दोस्तों, अगर बात करता हूं यहां पर इस स्मार्टफोन के बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो दोस्तों यहां पर आपको 5000 mAh की जो बैटरी है वो देखने के लिए मिल जाती है। यहां पर कोई भी फास्ट चार्जर मेंशन नहीं किया गया है, इसका मतलब फास्ट चार्जर नहीं दिया गया है। लेकिन रियलमी नार्जो 20 स्मार्टफोन में 6000 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट का चार्जर है, तो इस मामले में भी वो स्मार्टफोन रियलमी का आगे निकल जाता है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर इस स्मार्टफोन में आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दी गई है। रियलमी नार्जो 20 स्मार्टफोन में भी रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दी गई है। और दोस्तों, यहां पर आपको मोटो E7 प्लस स्मार्टफोन में स्टॉक एंड्रॉइड का जो एक्सपीरियंस है वो भी देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, ये है पूरे फीचर्स यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन्स के। दोस्तों, अगर बात करता हूं यहां पर मोटो E7 प्लस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में, जो कि आज लॉन्च कर दिया गया है, तो इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट है जिसमें आपको 4GB रैम देखने के लिए मिलती है, वो कुछ आपको 9499 रुपए का देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें रियलमी नार्जो 20 स्मार्टफोन के बारे में, तो वहां पर आपको इतने सारे फीचर्स के साथ में 4GB की रैम, 64GB स्टोरेज वहां भी दी गई है। और दोस्तों, इसकी जो प्राइस है वो कुछ आपको 10499 रुपए देखने के लिए मिल जाती है। अब आप लोग पूछ रहे थे कि कौन सा स्मार्टफोन खरीदें, इन दोनों स्मार्टफोन से कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग आप अगर यहां पर एक काफी अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते ही होंगे, तो आप रियलमी नार्जो 20 स्मार्टफोन के साथ में आंख बंद करके जा सकते हैं। यहां पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। मोटो E7 प्लस स्मार्टफोन से काफी बेटर परफॉर्मेंस, काफी अच्छी बैटरी लाइफ और काफी अच्छी आपको यहां पर चार्जिंग स्पीड वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में यहां पर जो मोटो का E7 प्लस स्मार्टफोन है वो रियलमी नार्जो 20 स्मार्टफोन को कम्पीट नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप पूछेंगे कि रियलमी नार्जो 20A को लें या फिर मोटो E7 प्लस के साथ में जाएं, तो यहां पर भी मैं आपको रियलमी नार्जो 20A स्मार्टफोन को ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहां पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का जो प्रोसेसर है वो देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको जो परफॉर्मेंस है वो स्नैपड्रैगन 460 से भी काफी बेटर देखने के लिए मिल जाएगी। वो 400 सीरीज का प्रोसेसर है, ये 600 सीरीज का प्रोसेसर है। तो दोस्तों, अगर आप यहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि रियलमी नार्जो 20A को लेना चाहिए या फिर आपको मोटो E7 प्लस को लेना चाहिए, तो यहां पर भी मैं आपको रियलमी नार्जो 20A स्मार्टफोन को ही रिकमेंड करता हूं। तो दोस्तों, ये थी पूरी डिटेल यहां पर मोटो E7 प्लस स्मार्टफोन के बारे में।
में। अब आपका क्या कहना है इस स्मार्टफोन के बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा। यह था कुछ वीडियो में, आशा करता हूँ छोटी जानकारी समय आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।